कैसे सेलर है बायर, आई एम सो सॉरी, सेलर है बायर, बायर के लिए क्या प्रॉब्लम है, मुझे चीज ओरिजिनल मिल रही है कि नहीं मिल रही सेलर की तरफ से, सेलर के लिए क्या प्रॉब्लम है जी, बायर के पास इतने पैसे हैं कि नहीं है, यही प्रॉब्लम चल रही होती है ना ई कॉमर्स की दुनिया में। यानी आप लोग अगर मैं उसमें जाऊं कैलकुलेशन में, कितने परसेंट लोगों को यकीन होता है हमारे पास चीज ओरिजिनल आ रही है, डू यू हैव एनी आइडिया कि सर्वेस क्या कहते हैं, 20% लोगों को पूरी दुनिया में यकीन है कि जी हमारे पास जो चीज है ये ओरिजिनल है। ठीक है, मैं नॉर्मली एक बात करता हूँ, एडिडास की चीज अगर कोई 1500 में दे रहा है तो मैं यहां पे खड़ा होकर कहता हूँ दो नंबर है। ठीक है ना, सेलर के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि जी इस बायर के पास से चीज भेज दी, उसको शिपमेंट के पैसे भी पड़ गए, सारा कुछ हो गया, उसने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, दो नंबर ले जाओ। अब क्या होता है, मैं दरमियान वाले एक बंदे के पास पैसे रखवा देता हूं, वो ये सिस्टम जो कि मेरे बैंक अकाउंट से कनेक्टेड है कि जी मैंने इस परचेज के लिए 2000 रुपए रख लिए यहां पर, जैसे ही ये बंदा मुझे भेजता, सपोज करें भाई नाइकी पे वापस चलता, नाइकी की शर्ट है, मैं नाइकी की ऐप पे गया, मैंने उसको स्कैन किया, उसने बताया कि ये ओरिजिनल है, मैंने उसको वेरीफाई का बटन दबाया, जहां से पैसे इसके पास शिफ्ट हो गए। बात समझ में आ रही है, अब थोड़ी देर के लिए इसको एक और ब्रॉडर में लेके जाते हैं, घर बन रहा है। अभी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर आएगा, वो जब क्या कॉन्ट्रैक्टर क्या कहते हैं, ठेकेदार क्या, वो आता है, वो मल्टीपल तरह का रोना रहता है, कोई मासूम आदमी होता है वो सारे पैसे पकड़ा देता है, उसके बाद वो फिर ठेकेदार के पीछे पीछे भाग रहा होता है। ठीक है, चीज पूरी नहीं होती आपकी। व्हाट इफ हम वो सारा सिस्टम इसके अंदर बनाते हैं, अब क्या होगा जी, आपने ये टास्क पूरा किया, पिक्चर ली, ब्लॉकचेन पे रखी, वेरीफाई का बटन दबाया, $10,000 के इसमें चले गए। नेक्स्ट चलें अगली चीज पे चलते हैं, एक और एजुकेशन सिस्टम पे इसको अप्लाई करके देखें। अभी क्या होता है, जो बंदा जॉब पे अप्लाई करना चाहता, जिसका दिल करता कर देता, यानी लिंक्डइन पे कितने लोगों ने जॉब पे अप्लाई किया है, लिंक्डइन के ऊपर लिंक्डइन पे जॉब आती है, और उसमें ज्यादातर लोग जॉब डिस्क्रिप्शन कभी नहीं पढ़ता है, तो जॉब वाला बंदा होता ना वो इतना परेशान होता है, क्या पढ़नी है, जान दे दो सीवी, जान दे दो, देखी जाएगी, ऐसे ही होता है, क्योंकि मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है, मैं इसलिए बता, वो आपको अप्लाई ही ना करने दे अगर आप इसकी दी हुई चीजों पर पूरा नहीं उतर रहे, चीजें थोड़ी हो जाएंगी। यानी अभी ये पेंडेमिक से पहले एक जॉब आई हुई थी इस्लामाबाद में गवर्नमेंट की, एक पोस्ट के लिए 30,000 एप्लीकेशन आई थी, कैन यू इमेजिन दैट, 30,000 एप्लीकेशन एक पोस्ट के लिए। अब उनको करना, उनमें कितने फेक होंगे, फिर आप इसे फेक डिग्री की चीज पकड़ सकते हैं, ये ब्लॉकचेन कनेक्टेड है पीछे इंस्टीट्यूट के साथ, ठीक है, यहां से जो वेरिफिकेशन आ रही है वो यहां पर सेव हो रही है। अब वो जॉब पे सिर्फ तब अप्लाई कर सकता है जब उस पर पूरा उतर है। उसके बाद एक अगली चीज पर चलते हैं, एचआर सिस्टम के अंदर ये जो चीज है, आपका प्रमोशन नहीं रोक सकती कभी भी। यानी एक बंदा, वो जैसे कहते हैं ना, वो साहिल अदीम साहब को मैं एक दिन सुन रहा था, यू नो साहिल अदीम भाई, कल उनका सेशन भी हमने, कहां पे, ये फ्लैटिस में, अच्छा हां फ्लैटिस में, अच्छा मैं उनको खैर बहुत अरसे से नहीं सुनता, बट आई लाइक हिज रिसर्च, इस्लामिक रिसर्च, दैट इज वंडरफुल वंडरफुल, ठीक है, क्योंकि मैं खुद उस तरीके से रिसर्च करता हूँ, मुझे बड़े अच्छे लगे, यानी कि उनकी बातें बड़ी जबरदस्त होती हैं माशाल्लाह। तो उनका ना मैं एक चीज सुन रहा था कि जी आपका जो है ना, सॉरी मैं बात ही भूल गया, क्या बात करने लगा था, बात दूसरी तरफ निकल गई, खैर चलें दोबारा देखने आएगी। तो कहने का मकसद ये है कि आपकी ये जो चीज है ना, प्रमोशन सिस्टम का, एचआर की बात, एचआर की बात कर रहा था ये, हाँ वो कह, वो अपने एक लेक्चर में बात कर रहे थे कि जी अगर आपको बीवी से डांट पड़ी है तो मैं दुनिया का नाअहल आदमी, और अगर आपकी बीवी खुश है आपसे तो मैं दुनिया का सबसे अहल आदमी हूँ, ठीक है, कहता ये क्या बात है, मुझे क्यों किसी इंसान के पास जाना पड़े। अब सपोज करें पूरा सिस्टम इस तरह का बना था, आपके उन्होंने लिखा हुआ है कि जी सपोज करें कि आपने ना, आप यानी आपकी जो परफॉर्मेंस है दैट शुड बी 70%, आपके प्रोजेक्ट की जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो अटेंडेंस है वो 80% होनी चाहिए, आपको प्रमोशन मिल जाएगा, ये आपने यहां पर साइन किया हुआ, ठीक है, कोई रोक सकता आपकी प्रमोशन, सब ऑटोमेटेड है, कोई आपका बोनस रोक सकता, अभी तो यार बॉस नहीं खुश तो वो नहीं खुश, और सब चीजें पता मुझे आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ गई, क्या ख्याल, कभी ब्लॉकचेन पे नजर से देखा था जो मैंने आज नजर दिखाई है।